मुंशी प्रेमचंद की कहानी प्रारब्ध, कथावाचक सोनम। लाला जीवन दास को मृत्युशैया पर पड़े 6 मास हो गए हैं। अवस्था दिनों दिन शोचनीय होती जाती है। चिकित्सा पर उन्हें अब जरा भी विश्वास नहीं रहा, केवल प्रारब्ध का ही भरोसा है। कोई हितैषी वैद्य या डॉक्टर का नाम लेता है तो मुंह फेर लेते हैं। उन्हें जीवन की अब कोई आशा नहीं है, यहाँ तक कि अब उन्हें अपनी बीमारी के जिक्र से भी घृणा होती है। एक क्षण के लिए भूल जाना चाहते हैं कि मैं काल के मुख में हूँ। एक क्षण के लिए इस दुस्साध्य चिंता भार को सिर से फेंक कर स्वाधीनता से सांस लेने के लिए उनका चित्त लालायित हो जाता है। उन्हें राजनीति में कभी रुचि नहीं रही, अपनी व्यक्तिगत चिंताओं ही में लीन रहते, लेकिन अब उन्हें राजनीतिक विषयों से विशेष प्रेम हो गया है। अपनी बीमारी की चर्चा के अतिरिक्त वो प्रत्येक विषय को शोक से सुनते हैं, किंतु ज्यों ही किसी ने सहानुभूति से किसी औषधि का नाम लिया कि उनकी त्योरी बदल जाती है। अंधकार में विलाप ध्वनि इतनी आशाजनक नहीं होती जितनी प्रकाश की एक झलक। ये यथार्थ पुरुष थे। धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक की व्यवस्थाएं उनकी विचार परिधि से बाहर थीं। यहां तक कि अज्ञात भय से भी वे शंकित न होते थे, लेकिन उसका कारण उनकी मानसिक शिथिलता नहीं थी, बल्कि लोक चिंता ने परलोक चिंता का स्थान ही शेष न रखा था। उनका परिवार बहुत छोटा था, पत्नी थी और एक बालक, लेकिन स्वभाव उदार था, ऋण से बढ़ा रहता था। उस पर यह असाध्य और चिरकालीन रोग ने ऋण पर कई दर्जे की वृद्धि कर दी थी। मेरे पीछे निसहायों का क्या हाल होगा? ये किसके सामने हाथ फैलाएंगे? कौन इनकी खबर लेगा? हाय, मैंने विवाह क्यों किया? पारिवारिक बंधन में क्यों फंसा? क्या इसलिए कि ये संसार के हिमतुल्य दया के पात्र बने? क्या अपने कुल की प्रतिष्ठा और सम्मान को यो विनष्ट होने दूं? जिस जीवन दास ने सारे नगर को अपनी अनुग्रह दृष्टि से प्लावित कर दिया, उसी के पोते और बहु द्वार द्वार ठोकरे खाते फिरे। हाय, क्या होगा? कोई अपना नहीं, चारों ओर भयावह वन है, कहीं मार्ग का पता नहीं। ये सरल रमणी, ये अबोध बालक, इन्हें किस पर छोड़ूं? हम अपनी आन पर जान देते थे, हमने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, किसी के ऋणी नहीं हुए, सदैव गर्दन उठाकर चले, और अब ये नौबत कि कफन का भी ठिकाना नहीं। आधी रात गुजर चुकी। जीवन दास की हालत आज बहुत नाजुक थी। बार बार मूर्छा आ जाती, बार बार हृदय की गति रुक जाती। उन्हें ज्ञात होता था कि अब अंत निकट है। कमरे में एक लैंप जल रहा था। उनकी चारपाई से समीप ही प्रभावती और उसका बालक साथ सोए हुए थे। जीवनदास ने कमरे की दीवारों को निराशापूर्ण नेत्रों से देखा, जैसे कोई भटका हुआ पथिक निवास स्थान की खोज में हो। चारों ओर से घूमकर उनकी आंखें प्रभावती के चेहरे पर जम गईं। हाय, ये सुंदरी एक क्षण में विधवा हो जाएगी, ये बालक पितृहीन हो जाएगा। यही दोनों व्यक्ति मेरी जीवन आशाओं के केंद्र थे। मैंने जो कुछ भी किया इन्हीं के लिए किया। मैंने अपना जीवन इन्हीं पर समर्पण कर दिया और अब इन्हें मंझधार में छोड़े जाता हूँ, इसलिए कि वे विपत्ति भावर के कौर बन जाएं। इन विचारों ने उनके हृदय को महसूस दिया, आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उनके विचार प्रवाह में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। निराशा की जगह मुख पर एक दृढ़ संकल्प की आशा दिखाई दी, जैसे किसी गृह स्वामिनी की झिड़कियाँ सुनकर एक दिन भिक्षुक के तेवर बदल जाते हैं। नहीं, कदापि नहीं, मैं अपने प्रिय पुत्र और अपनी प्राण प्रिय पत्नी पर प्रारब्ध का अत्याचार न होने दूंगा, अपने कुल के मर्यादा को भ्रष्ट नहीं होने दूंगा, अबला को जीवन की कठिन परीक्षा में नहीं डालूंगा। मैं मर रहा हूँ, लेकिन प्रारब्ध के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा, उसका दास नहीं स्वामी बनूंगा, अपनी नौका को निर्दय तरंगों के आश्रित न बनने दूंगा। निसंदेह संसार मुँह बनाएगा, मुझे दुरात्मा घातक नराधम कहेगा, इसलिए कि उसके पार्श्विक आमोद में उनकी पैशाचिक क्रीड़ाओं में एक व्यवस्था कम हो जाएगी। कोई चिंता नहीं, मुझे संतोष तो रहेगा कि उसका अत्याचार मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसकी अनर्थ लीला से मैं सुरक्षित हूँ। जीवन दास के मुख पर वर्णहीन संकल्प अंकित था, वो संकल्प जो आत्महत्या का सूचक है। वो बिछौने से उठे, मगर हाथ पाँव थर थर काँप रहे थे। कमरे की प्रत्येक वस्तु उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई जान पड़ती थी। अलमारी के शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी, चौंक पड़े, वो कौन? ख्याल आया, ये तो अपनी ही छाया है,
उन्होंने अलमारी से एक चमचा और एक प्याला निकाला। प्याले में वो जहरीली दवा थी जो डॉक्टर ने उनकी छाती पर मलने के लिए दी थी। प्याले को हाथ में लिए चारों ओर सहमी हुई दृष्टि से ताकते हुए वो प्रभावती के सिरहाने आकर खड़े हो गए। हृदय पर करुणा का आवेग हुआ। इन प्यारों को क्या मेरे ही हाथों मरना लिखा था? मैं ही इनका यमदूत बनूंगा। ये अपने कर्मों का फल है। मैं आंखें बंद करके वैवाहिक बंधन में फंसा। इन भावी आपदाओं की ओर मेरा क्यों ध्यान नहीं गया? मैं उस समय ऐसा हर्षित और प्रफुल्लित था मानो जीवन एक अनादि सुख स्वर है, एक सुधा में आनंद सरोवर। ये इस अदूरदर्शिता का परिणाम है कि आज मैं ये दुर्दिन देख रहा हूं। हठात उनके पैरों में कंपन हुआ, आंखों में अंधेरा छा गया, नाड़ी की गति बंद होने लगी, वे करुणामयी भावनाएं मिट गईं। शंका हुई, कौन जाने यही दौरा जीवन का अंत न हो। वो संभल कर उठे और प्याले से दवा का एक चम्मच निकालकर प्रभावती के मुंह में डाल दिया। उसने नींद में दो एक बार मुंह डुलाकर करवट बदल ली। तब उन्होंने लखनदास का मुंह खोलकर उसमें भी एक चम्मच भर दवा डाल दी और प्याले को जमीन पर पटक दिया। पर हाय मानव परवशता, हा प्रबल भावी, भाग्य की विषम क्रीड़ा अब भी उनसे चाल चल रही थी। प्याले में विष न था, वो टॉनिक था जो डॉक्टर ने उनका बल बढ़ाने के लिए दिया था। प्याले को रखते ही उनके कांपते हुए पैर स्थिर हो गए, मूर्छा के सब लक्षण जाते रहे, चित्त पर भय का प्रकोप हुआ। वो कमरे में एक क्षण भी न ठहर सके। हत्या प्रकाश का भय हत्या कर्म से भी कहीं दारुण था। उन्हें दंड की चिंता न थी, पर निंदा और तिरस्कार से बचना चाहते थे। वो घर से इस तरह बाहर निकले जैसे किसी ने उन्हें ढकेल दिया हो। उनके अंगों में कभी इतनी स्फूर्ति न थी। घर सड़क पर था, द्वार पर एक तांगा मिला, उस पर जा बैठे। नाड़ियों में विद्युत शक्ति दौड़ रही थी। तांगे वाले ने पूछा, कहाँ चलूं? जीवनदास, जहाँ चाहो। स्टेशन चलूं? वहीं सही। छोटी लाइन चलूं या बड़ी लाइन? जहाँ गाड़ी जल्दी मिल जाए। तांगे वाले ने उन्हें कौतूहल से देखा, परिचित था, बोला, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, क्या और कोई साथ नहीं जाएगा? नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? बहुत बातें ना करो, यहां से जल्दी चलो। तांगे वाले ने घोड़े को चाबुक लगाया और स्टेशन की ओर चला। जीवनदास वहीं पहुंचते ही तांगे से कूद पड़े और स्टेशन के अंदर चले। तांगे वाले ने कहा, पैसे? जीवनदास को अब ज्ञात हुआ कि मैं घर से कुछ लेकर नहीं चला, यहां तक कि शरीर पर वस्त्र भी ना थे। बोले, फिर मिलेंगे। आप ना जाने कब लौटेंगे? मेरा जूता नया है, ले लो। तांगे वाले का आश्चर्य और भी बढ़ा, समझा इन्होंने शराब पी है, अपने आपे में नहीं है। चुपके से जूते ले लिए और चलता हुआ। गाड़ी आने में अभी घंटों की देर थी। जीवनदास प्लेटफॉर्म पर जाकर टहलने लगे। धीरे धीरे उनकी गति तीव्र होने लगी, मानो कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने इसकी बिल्कुल चिंता न की कि मैं खाली हाथ हूँ। जाड़े के दिन थे, लोग सर्दी के मारे अकड़े जाते थे, किंतु उन्हें ओढ़ने बिछाने की भी सुधी न थी। उनकी चैतन्य शक्ति नष्ट हो गई थी, केवल अपने दुष्कर्म का ज्ञान जीवित था। ऐसी शंका होती थी कि प्रभावती मेरे पीछे दौड़ी चली आती है। कभी भ्रम होता था कि लखनदास भागता हुआ आ रहा है, कभी पड़ोसियों के धर पकड़ की आवाजें कानों में आती थीं। उसकी कल्पना प्रतिक्षण उत्तेजित होती जाती थी, यहाँ तक कि वो प्राण भय से माल के बोरों के बीच में जा छिपे। एक एक मिनट पर चौंक पड़ते थे और सशंक नेत्रों से इधर उधर देखकर फिर छिप जाते थे। उन्हें अब यह भी स्मरण न रहा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, केवल अपनी प्राण रक्षा का ज्ञान शेष था। घंटियां बजीं, मुसाफिरों के झुंड आने लगे। कुलियों की बकबक, मुसाफिरों की चीख पुकार, आने जाने वाले इंजनों की धक धक से हाहाकार मचा हुआ था, किंतु जीवनदास उन बोरों के बीच में इस तरह पैतरे बदल रहे थे मानो वे चैतन्य होकर उन्हें घेरना चाहते हों। निदान गाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। जीवनदास संभल गए, स्मृति जागृत हो गई, लपक कर बोरों में से निकले और एक कमरे में जा बैठे। इतने में गाड़ी के द्वार पर खटखट की ध्वनि सुनाई दी। जीवनदास ने चौंक कर देखा, टिकट का निरीक्षक खड़ा था। उनकी अचेतना अवस्था भंग हो गई,
वो कौन सा नशा है जो मार के आगे भाग न जाए। व्याधि की शंका संज्ञा को जागृत कर देती है। उन्होंने शीघ्रता से जल ग्रह खोला और उसमें घुस गए। निरीक्षक ने पूछा, और कोई नहीं? मुसाफिरों ने एक स्वर से कहा, अब कोई नहीं है। जनता को अधिकारी वर्ग से एक नैसर्गिक द्वेष होता है। गाड़ी चली तो जीवनदास बाहर निकले। यात्रियों ने एक प्रचंड हास्य ध्वनि से उनका स्वागत किया। यह देहरादून मेल था। रास्ते भर जीवनदास कल्पनाओं में मग्न रहे। हरिद्वार पहुंचे तो उनकी मानसिक अशांति कुछ बहुत कम हो गई थी। एक क्षेत्र से कंबल लाए, भोजन किया और वहीं पड़े रहे। अनुग्रह के कच्चे धागे को वो लोहे की बेड़ी समझते थे, पर दुरावस्था ने आत्मगौरव का नाश कर दिया था। इस भांति कई दिन बीत गए, किंतु मौत का तो क्या ही कहना। वो व्याधि भी शांत होने लगी जिसने जीवन से निराश कर दिया था। उनकी शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी। मुख की कांति प्रदीप्त होने लगी। वायु का प्रकोप शांत हो गया। मानो दो प्रिय प्राणियों के बलिदान ने वास्तव में मृत्यु को तृप्त कर दिया था। जीवनदास को ये रोग निवृत्ति उस दारुण रोग से भी अधिक दुखदायी प्रतीत होती थी। वे अब मृत्यु आह्वान करते, ईश्वर से प्रार्थना करते कि फिर उसी जीर्णावस्था का दुरागम हो। नाना प्रकार के कुपथ्य करते, किंतु कोई प्रयत्न सफल न होता था। उन बलिदानों ने वास्तव में यमराज को संतुष्ट कर दिया था। अब उन्हें चिंता होने लगी, क्या मैं वास्तव में जिंदा रहूंगा? लक्षण ऐसे ही दिख पड़ते थे। नित्य प्रति ये शंका प्रबल होती जाती थी। उन्होंने प्रारब्ध को अपने पैरों पर झुकाना चाहा था, पर अब स्वयं उनके पैरों की रज चाट रहे थे। उन्हें बार बार अपने ऊपर क्रोध आता था। कभी व्यग्र होकर उठते थे कि जीवन का अंत कर दूं, तकदीर को दिखा दूं कि मैं अब भी उसे कुचल सकता हूं। किंतु उसके हाथों विकट यंत्रणा भोगने के बाद उन्हें भय होता था कि कहीं इससे भी जटिल समस्या न उपस्थित हो जाए, क्योंकि उन्हें उसकी शक्ति का कुछ कुछ अनुमान हो गया था। इन विचारों ने उनके मन में नास्तिकता के भाव उत्पन्न किए। वर्तमान भौतिक शिक्षा ने उन्हें पहले ही अनात्मवादी बना दिया था। अब उन्हें समस्त प्रकृति अनर्थ और अधर्म के रंग में डूबी हुई मालूम होने लगी। यहाँ न्याय नहीं, दया नहीं, सत्य नहीं। असंभव है कि ये सृष्टि किसी कृपालु शक्ति के अधीन हो और उसके ज्ञान के नित्य ऐसे विभत्स, ऐसे भीषण अभिनय होते रहें। वो न दयालु है, न वत्सल है। वो सर्वज्ञानी और अंतर्यामी भी नहीं। निसंदेह वो एक विनाशिनी, वक्र और विकारमयी शक्ति है। सांसारिक प्राणियों ने उसकी अनिष्ट क्रीड़ा से भयभीत होकर उसे सत्य का सागर, दया और धर्म का भंडार, प्रकाश और ज्ञान का स्रोत बना दिया है। ये हमारा दीन विलाप है, अपनी दुर्बलता का अश्रुपात। इसी शक्तिहीनता को, इसी निस्सहायता को हम उपासना और आराधना कहते हैं और उस पर गर्व करते हैं। दार्शनिकों का कथन है कि ये प्रकृति अटल नियमों के अधीन है। ये भी उनकी श्रद्धालुता है। नियम जड़ अचैतन्य होते हैं, उनमें कपट के भाव कहाँ? इन नियमों का संचालक इस इंद्रजाल का मदारी अवश्य है, ये स्पष्ट है, किंतु वो प्राणी देवता नहीं, पिशाच है। इन भावों ने शनैः शनैः क्रियात्मक रूप धारण किया। सद्भक्ति हमें ऊपर ले जाती है, असद्भक्ति हमें नीचे गिराती है। जीवनदास की नौका का लंगर उखड़ गया। अब उसका न कोई लक्ष्य था, न कोई आधार। तरंगों में डावाडोल होती रहती थी। 15 वर्ष बीत गए। जीवनदास का जीवन आनंद और विलास में कटता था। रमणीक निवास स्थान था, सवारियां थी, नौकर चाकर थे, नित्य राग रंग होता था। अब इंद्रिय लिप्सा उनका धर्म था, वासना तृप्ति उनका जीवन तत्व। वे विचार और विवेक के बंधनों से मुक्त हो गए थे। नीति और अनीति का ज्ञान लुप्त हो गया था। साधनों की भी कमी नहीं थी। बंधे बैल और खुले सांड में बड़ा अंतर है। एक रातिब पाकर भी दुर्बल है, दूसरा घास पात ही खाकर मस्त हो रहा है। स्वाधीनता बड़ी पोषक वस्तु है। जीवनदास को अब अपनी पत्नी और बालक की याद न सताती थी। भूत और भविष्य का उनके हृदय पर कोई चिन्ह नहीं था। उनकी निगाह केवल वर्तमान पर रहती थी। वो धर्म को अधर्म समझते थे और अधर्म को धर्म। उन्हें सृष्टि का ये मूल तत्व प्रतीत होता था। उनका जीवन स्वयं ही इस दुर्नीति का उज्ज्वल प्रमाण था। आत्मबंधन को तोड़कर वे जितने कुत्सित हुए, वहां तक उन बंधनों में पड़े हुए उनकी दृष्टि भी ना पहुंच सकती थी। जिधर आंख उठती, अधर्म का साम्राज्य दिखाई पड़ता था। यही सफल जीवन का मंत्र था। स्वेच्छाचारी हवा में उड़ते हैं,
धर्म का सेवक एड़ियां रगड़ते हैं, व्यापार और राजनीति के भवन, ज्ञान और भक्ति के मंदिर, साहित्य और काव्य की रंगशाला, प्रेम और अनुराग मंडलियां सब इसी दीपक से आलोकित हो रही हैं। ऐसी विराट ज्योति की आराधना क्यों न की जाए। गर्मी के दिन थे, संध्या का समय, हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। जीवन दास एक गेरुए रंग का रेशमी चादर गले में डाले, सुनहरा चश्मा लगाए, दिव्य ज्ञान की मूर्ति बने हुए अपने सहचरों के साथ प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। उनकी भेदक दृष्टि यात्रियों पर लगी हुई थी। अचानक दूसरे दर्जे के कमरे में एक शिकार दिखाई दिया। ये एक रूपवान युवक था, चेहरे से प्रतिभा चमक रही थी। उसकी घड़ी की जंजीर सुनहरी थी, तंजेब के अचकन के बटन भी सोने के थे। जिस प्रकार बधिक की दृष्टि पशु के मांस और चर्म पर रहती है, उसी प्रकार जीवन दास की दृष्टि में मनुष्य एक भोग्य पदार्थ था। उनके अनुमान ने आश्चर्यजनक कुशलता प्राप्त कर ली थी और उससे कभी भूल न होती थी। ये युवक कोई रईस है, सरल और गर्वशाली भी है, अतएव सुगमता से जाल में फंस जाएगा। उस पर अपनी सिद्धता का सिक्का बिठाना चाहिए, उसकी सरल हृदयता पर निशाना मारना चाहिए। मैं गुरु बनूं, ये दोनों मेरे शिष्य बन जाएं, छल की घाते चलें, मेरी अपार विद्वता, अलौकिक कीर्ति और अगाध वैराग्य का मधुर गान हो, शब्दाडंबरों के दाने बिखेर दिए जाएं और मृग पर फंदा डाल दिया जाए। ये निश्चय करके जीवन दास कमरे में दाखिल हुए। युवक ने उनकी ओर गौर से देखा, जैसा अपने भूले हुए मित्र को पहचानने की चेष्टा कर रहा हो। अब अधीर होकर बोला, महात्मा जी, आपका स्थान कहाँ है? जीवन दास प्रसन्न होकर बोले, बच्चा, संतों का स्थान कहाँ? समस्त संसार हमारा स्थान है। युवक ने पूछा, आपका शुभ नाम लाला जीवन दास तो नहीं है? जीवन दास चौंक पड़े, छाती बल्लियों उछलने लगी, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कहीं ये खुफिया पुलिस का कर्मचारी तो नहीं है? कुछ निश्चय न कर सके, क्या उत्तर दूं, गुमसुम हो गए। युवक ने असमंजस में पड़े देखकर कहा, मेरी ये धृष्टता क्षमा कीजिए, मैंने ये बात इसलिए पूछी कि आपका श्रीमुख मेरे पिताजी से बहुत मिलता है, वे बहुत दिनों से गायब हैं, लोग कहते हैं सन्यासी हो गए, बरसों से उन्हीं की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। जिस प्रकार क्षितिज पर मेघ राशि चढ़ती है और क्षण मात्र में संपूर्ण वायुमंडल को घेर लेती है, और उसी प्रकार जीवन दास को अपने हृदय में पूर्व स्मृतियों की एक लहर सी उठती हुई मालूम हुई। गला फंस गया और आंखों के सामने प्रत्येक वस्तु तैरती हुई जान पड़ी। युवक की ओर सचेष्ट दृष्टि से देखा, स्मृति सजग हो गई, उसके गले से लिपट कर बोले, लखू। लखन दास उनके पैरों पर गिर पड़ा, मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना, एक युग हो गया। आधी रात गुजर चुकी थी, लखन दास सो रहा था और जीवन दास खिड़की से सिर निकाले विचारों में मग्न थे। प्रारब्ध का एक नया अभिनय उनके नेत्रों के सामने था। वो धारणा जो अतीत काल से उनकी पथ प्रदर्शक बनी हुई थी हिल गई। मुझे अहंकार ने कितना विवेकहीन बना दिया था, समझता था मैं ही सृष्टि का संचालक हूँ। मेरे मरने पर परिवार का अधा पतन हो जाएगा, पर मेरी ये दुश्चिंतता कितनी मिथ्या निकली। जिन्हें मैंने विष दिया वे आज जीवित हैं, सुखी हैं और संपत्तिशाली हैं। असंभव था कि लखू को ऐसी उच्च शिक्षा दे सकता। माता के पुत्र प्रेम और अध्यावसाय ने कठिन मार्ग कितना सुगम कर दिया। मैं उसे इतना सच्चरित्र, इतना दृढ़ संकल्प, इतना कर्तव्यशील कभी ना बना सकता। ये स्वावलंबन का फल है, मेरा विष उनके लिए अमृत हो गया। कितना विनयशील, हसमुख, निस्पृह और चतुर युवक है, मुझे तो अब उसके साथ बैठते भी संकोच होता है। मेरा सौभाग्य कैसे उदय हुआ है। मैं विराट जगत को किसी पैशाचिक शक्ति के अधीन समझता था जो दीन प्राणियों के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खिलाती है। हाय मूर्खता, हाय अज्ञान। आज मुझ जैसा पापी मनुष्य इतना सुखी है, इसमें संदेह नहीं कि इस जगत का स्वामी दया और कृपा का महासागर है। प्रातःकाल मेरा उस देवी से साक्षात्कार होगा जिसके साथ जीवन के क्या क्या सुख नहीं भोगे। मेरे पोते और पोतियां मेरी गोद में खेलेंगे, मित्रगण मेरा स्वागत करेंगे। ऐसे दया में भगवान को मैं अमंगल का मूल समझता था। इन विचारों में पड़े हुए जीवन दास को नींद आ गई।
जब आंखें खुली तो लखनऊ की प्रिय और अपरिचित ध्वनि कानों में आई। वे चौंक कर उठ बैठे। लखन दास असबाब उतरवा रहे थे। स्टेशन के बाहर उनकी फिटन खड़ी थी। दोनों आदमी उस पर बैठे। जीवनदास का हृदय आह्लाद से भर रहा था। मौन रूप बैठे हुए थे, मानो समाधि में हो। फिटन चली। जीवनदास को प्रायः सभी चीज़ें नई मालूम होती थीं। न वे बाजार, न वे गली कूचे, न वे प्राणी थे। युगांतर सा हो गया था। निदान उन्हें एक रमणीक बंगला सा दिखाई दिया, जिसके द्वार पर मोटे अक्षरों पर अंकित था, जीवनदास पाठशाला। जीवनदास ने विस्मित होकर पूछा, क्या है? लखनदास ने कहा, माता जी ने आपकी स्मृति रूप यह पाठशाला खोली है। कई लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं। जीवनदास का दिल और भी बैठ गया। मुंह से एक ठंडी सांस निकल आई। थोड़ी देर बाद फिटन रुकी। लखनदास उतर पड़े। नौकरों ने असबाब उतारना शुरू किया। जीवनदास ने देखा, एक पक्का दो मंजिला मकान था। उनके पुराने खपरैल वाले घर का कोई चिन्ह नहीं था, केवल नीम का एक वृक्ष बाकी था। दो कोमल बालक बाबूजी बाबूजी कहते हुए दौड़े और लखनदास के पैरों से लिपट गए। घर में एक हलचल सी मच गई। दीवान खाने के पीछे एक सुंदर पुष्प वाटिका थी। जीवनदास ऐसे चकित हो रहे थे मानो कोई तिलिस्म देख रहे हों। रात्रि का समय था, 12 बज चुके थे। जीवनदास को किसी करवट नींद नहीं आती थी। अपने जीवन का चित्र उनके सामने था। इन 15 वर्षों में उन्होंने जो कांटे बोए थे, वे इस समय उनके हृदय में चुभ रहे थे। जो गढ़े खोदे थे, उन्हें निगलने के लिए मुंह खोले हुए थे। उनकी दशा में एक ही दिन में घोर परिवर्तन हो गया। अभक्ति और अविश्वास की जगह विश्वास का अभ्युदय हो गया था, और ये विश्वास केवल मानसिक न था, वरन प्रत्यक्ष था। ईश्वरीय न्याय का भय एक भयंकर मूर्ति के सदृश उनके सामने खड़ा था। उससे बचने की अब उन्हें कोई युक्ति नहीं नजर आती थी। अब तक उनकी स्थिति उस आग की चिंगारी के समान थी जो किसी मरुभूमि में पड़ी हो। उससे हानि की कोई शंका न थी, लेकिन आज ये चिंगारी एक खलिहान के पास पड़ी हुई थी। मालूम नहीं कब वो प्रज्वलित होकर खलिहान को भस्मीभूत कर दे। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी, ये भय ग्लानी का रूप धारण करता जाता था। हाय शोक, मैं इस योग्य भी नहीं कि इस साक्षात क्षमा दया को अपना कलुषित मुंह दिखाऊं। उसने मुझ पर सदैव करुणा और वात्सल्य की दृष्टि रखी और ये शुभ दिन दिखाया। मेरी कालिमा उसकी उज्ज्वल कीर्ति पर एक काला दाग है। मेरी कलुषता क्या इस मंगल चित्र को कलुषित न कर देगी? मेरी पापाग्नि के स्पर्श से क्या हरा भरा उद्यान मटिया मीट न हो जाएगा? मेरी अपकीर्ति कभी न कभी प्रकट होकर इस कुल की मर्यादा और सम्मान को नष्ट न कर देगी? मेरे जीवन से अब किसको सुख है? कदाचित भगवान ने मुझे लज्जित करने के लिए, मुझे अपनी तुच्छता से अवगत कराने के लिए, मेरे गले में अनुताप की फांसी डालने के लिए यह अद्भुत लीला दिखाई है। हाय, इसी कुल की मर्यादा रक्षा के लिए भीषण हत्याएं की थी। क्या अब जीवित रहकर इसकी वो दुर्दशा कर दूं जो मरकर भी ना कर सका? मेरे हाथ खून से लाल हो रहे हैं। परमात्मा, ये खून रंग न लाए। ये हृदय पापों के कीटाणुओं से जर्जर हो रहा है। भगवान, ये कुल उनके लिए छूत से बचा रहे। इन विचारों ने जीवनदास में ग्लानि और भय के भावों को इतना उत्तेजित किया कि वो विकल हो गए। जैसे परती भूमि में बीज का असाधारण विकास और प्रचार होता है, उसी प्रकार विश्वासहीन हृदय में जब विश्वास का बीज पड़ता है तो उसमें सजीवता और विकास का प्रादुर्भाव होता है। उसमें विचार के बदले व्यवहार का प्राधान्य होता है। आत्मसमर्पण उसका विशेष लक्ष्य होता है। जीवनदास को अपने चारों तरफ एक सर्वव्यापी शक्ति, एक विराट आत्मा का अनुभव हो रहा था। प्रतिक्षण उसकी कल्पना सजग और प्रदीप्त होती जाती थी। अपने जीवन की घटनाएं ज्वाला शिखा बन बनकर उस घर की ओर, उसे मंगल और आनंद के निवास भवन की ओर दौड़ती हुई जान प्रतीत होती थी, मानो उसे निगल जाएंगी। पूर्व की ओर आकाश अरुण वर्ण हो रहा था। जीवनदास की आंखें भी अरुण थी। वे घर से निकले, हाथ में केवल धोती थी। उन्होंने अनिष्टमय अस्तित्व को मिटा देने का निश्चय कर लिया था। अपनी पापाग्नि की आँच से अपने परिवार को बचाने का संकल्प कर चुके थे। प्राणपण से